तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे पास रियलमी का C30S मॉडल, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको फिंगर होता है जो, ये है C30S मॉडल। तो आपको बताते हैं कि अगर ये जो फ़ोन है वो कई बार होता है ऑटोमेटिकली जो होता है वो ऑफ हो जाता है, तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो फ़ोन है वो डेड हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारा फ़ोन जो है डेड नहीं होता। तो ये जो कम रैम वाले फ़ोन हैं, 2 GB 3 GB रैम वाले, इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब हमारा फ़ोन जो है कई बार लॉक होता है, तो ये यहाँ पर ये जो है हैंग हो जाता है और ये जो है लाइट इसमें नहीं जलती। चार्जर लगाते हो तभी भी नहीं चलता, अगर जहाँ से आप इसको दबा कर और दोबारा से ऑन करने की कोशिश करोगे ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही ऑन है, सिर्फ ये यहाँ पर हैंग हो गया है। तो आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे सही करना है, आपको क्या करना है, पावर पावर की को दबाना है और वॉल्यूम प्लस को दबा के रखना है। दोनों को दोस्तों एक साथ प्रेस करके रखना है, कम से कम दोस्तों आपको 15 सेकंड तक इन दोनों की को प्रेस करके रखना है, ठीक है। और ध्यान रहे, एक साथ प्रेस करना है इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है, इस तरह से आपको एक साथ इनको प्रेस करके रखना है, तो जो आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा फ़ोन जो है ये रिबूट हो गया है, यानी कि हमें अपने फ़ोन को बंद करके चालू करना है, और ये यहाँ से नहीं होगा, ये दोनों की दबाओगे तभी ये चालू हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमारा ये जो फ़ोन है वो जहाँ से ऑन हो चुका है। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।